हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी नवरात्रे. नवरात्रे का आज कौन सा दिन है मॉम? नौवा दिन है. आठवां नौवां एक साथ ही पड़ा है इस बार. और हम सभी, मतलब हमारे रिचुअल्स में ऐसा होता है कि खोइंच भरा जाता है. मॉम बताएंगी उसके बारे में क्या होता है. मॉम पहले तो सभी को जय माता दी. इसमें होता ये है कि हम लोग मैथिल कल्चर में माता का आंचल भरने जाते हैं, खोइंच बोलते हैं उसको. सब सारा श्रृंगार का सामान होता है, तो जो कुछ भी होगा वहाँ पे प्रोसीजर के साथ मैं आपको वहीं शो करूंगी. तो देखिए हमारे में कितना अच्छा कल्चर होता है. और हम लोग जो रेडी हुए हैं, हम लोग रेडी होते हैं नए नए कपड़े पहन के. इसमें अष्टमी को वैसे तो होता है, अष्टमी को आज अष्टमी नवमी एक दिन है, तो अष्टमी वाले दिन अच्छे से नया वस्त्र धारण करके पूरा आप लोग, हम लोग श्रृंगार करते हैं. श्रृंगार करने के बाद माता के, मतलब कोई भी जो, जैसे कोई भी जो होती है नई दुल्हन होती है, तो सारी चीजें जो जो वो करती है वो सारी करनी होती है. जैसे कि आलता लगाना, मेहंदी लगाना, नेल पेंट, ये सारी ये करती नहीं है, लेकिन आज करेंगी क्योंकि ये कंपलसरी है. मेरी नानी जो है बहुत डांटती है इन्हें कि ये सारी चीजें सब दिखाएंगे. यहाँ पर भाभी आई हुई है, देख सकते हैं आप. सभी को जय माता दी. खड़े हो जाते हैं. हाँ खड़े हो जाते. तो मामी भी आई हैं, नानी भी आई हैं और सभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो मैं उसका भी व्लॉग आप सभी के साथ शूट करूंगी. मामी और मम्मी की साड़ी में एक राज छुपा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है. मैं बता ही देती हूँ कि वो दोनों सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है. कैसी लगी साड़ी आपको जरूर बताना और हम जरूर बताएंगे कि कहाँ से ली है. ऐसी साड़ी हमने 9 ली थी और सभी को दी है. और 9 ली थी, 13 ली थी. वो सबका डिटेल आपको धीरे धीरे पता चलेगा. तो मिलते हैं मंदिर में और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज बताना ना भूले. तो लेट्स गो. तो ये है माता रानी और हम पूजा करने वाले हैं और लेट्स सी कैसे कैसे पूजा करते हैं. आई विल शो यू एवरीथिंग. तो सबसे पहले यहाँ पे एक कपड़ा बिछाते हैं जो लाल कलर का होता है ना, रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है. हाँ मैं कह रही हूँ लाल कलर का होता है. और ये सारी चीजें मॉम लेके आई हैं. अभी देखते जाओ. हाँ तो ये अक्षत डालते हैं? नहीं ये डालते हैं चावल है, पान के बाद फिर फ्रूट डालते हैं. तो इसे ही हमारे यहाँ मैथिल में, मिथिला में खोइंच भरना कहते हैं, जो माता को भरा जाता है. इसके बाद सारा जो श्रृंगार का सामान होता है वो डालते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, नेल पेंट हो गया, मिरर हो गया, मेहंदी हो गई, बिंदी, सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं. जो सुहागन यूज करती है वो सारी चीज़ें डालते हैं माता को. चूड़ी हो गई, ऑयल, सारी चीज़ें, लिपस्टिक, एवरीथिंग, जितना हो सके पॉसिबल वो आप ला के डाल सकते हैं. और ये माता का जो वो लाई, तो माता का चल जय माता. मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके. इस शीशे में क्या मैं दिख रही हूँ? नहीं. अब इसे बंद करके यहीं रख दोगे है ना? क्या करेंगे उस रखते. अच्छा कतेक बन रहे छे? 7. ओके. ये मैं खोइंच दे रही हूँ, माता का चढ़ाया हुआ खोइंच दे रही हूँ. ओके. प्रसाद होता है ये. अच्छा हमरा दिया ये में सची तोरा ले, तू लो ले कर. मुझे भी दे दो, सीधे हाथ में लेते हैं. कोई बात नहीं, वेट. तो ये जो जैसे मैं खुश
तो ये नेल पेंट में खुश हो जाएगी। प्रसाद है माता का, माता रानी का। तो ये प्रसाद मुझे मिला है, ये नानी दे रही है ना। खोइच में मम्मी को क्या मिली? तो बिंदी मिली, मम्मी की फेवरेट बड़ी बड़ी। ठीक है अच्छा। तो इसे अब क्या करते हैं, बांध देते हैं और माता को दे देते हैं, है ना मऊ? हाँ, भेंट कर माता देते को कौन देने वाला है? मतलब हम चढ़ा देते हैं। हाँ। तो कह रहा 3 बजे तक रहेंगे माता के चरणों में। दिक्कत यही तो है ना, नानी मेहंदी भी दिखा रही है। आज जो है वो शाम की कथा लास्ट हो रही है, 13 अध्याय पूरे मम्मी पढ़ लेंगी आज ही, अगर कुछ रह गया है तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे आज। और कल हम कंचक जमाएंगे, कंचक खिलाएंगे और उसकी भी ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और अभी मम्मी पूजा कर रही है तो पहले उसकी क्लिप शेयर करती हूँ मैं। नारायणी तुमको नमस्कार है, मेघा सरस्वती सर्व क्रोष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती महाकाली नित्यता तथा ईश्वर रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। ज्वालाओं तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कल मैं एक व्लॉग डालने वाली हूँ कंचक वाला, आप प्लीज उसे देखें और उसे शेयर करें और हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, उसे लाइक करें और साथ ही साथ जितना हो सके उतना शेयर करें।